हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल और आज पारंपरिक रेसिपी बना रहे एकदम सूखे शलगम तरी वाले। उसमें हम वड़ी मटर ये जरूर डालेंगे क्योंकि ये मजा अलग है, राइट? थोड़ा पंजाबी वाला टच है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तेल गरम करने रख देता हूँ क्योंकि वड़ी फ्राई करेंगे, राइट? काफ़ी सारा तेल जो है ले लेते हैं। एक बढ़िया सी ये जैसे जो मेरे पास बर्तन है स्टील का मज़ेदार बड़ा वाला, इसमें थोड़ा तेल है वो ज़्यादा ले लेते हैं। चाहिए तेल भाई ज़्यादा, ठीक है? 4 बड़े चम्मच तेल समझिए। और ये जो खाना है ये पारंपरिक बन रहा है। यहाँ वड़ियाँ जो हमने ली है इसको थोड़ा हल्का सा तोड़ देते हैं, पंजाबी वड़ी, ठीक है? तेल गरम हो रहा है। कब तो गरम होता है? जब तक सूखे शलगम, ये आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह से माला बनाई जाती थी। तो जब फ्रेश होते थे ना शलगम, तो समझिए कि पूरी माला भरी होती थी। ड्राई हो के समझिए फ्रेश के राउंडल्स काटे हमने। ये फ्रेश टर्निप है, इसके गोल गोल काटे, ऐसे गोल गोल काटे हैं और फिर दिए। गोल काटने के बाद देखिए सूख के क्या हालत हो जाती, ये हालत है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये जो माला है ये निकाल लेते हैं, इसका भी काम कर लेते हैं। लाइक इसमें से शलगम निकाल लेते हैं। कुछ लोग शलगम को शलजम भी कहते हैं। यहां पे पानी डाल लेता हूं, थोड़ा सा धो लेता हूं। थोड़ा सा पानी में डाल के रख देते हैं। अगर गर्म पानी में डाल के रखना है तो रखिएगा, और वो पानी यूज़ ज़रूर करिएगा क्योंकि वो उमामी जो फ्लेवर है करी में तभी आएगा। अब वड़ियों के लिए हम तैयार हो गए हैं, यहाँ डाल लेते हैं। फ्राई कर लेते हैं, वाह! इसकी भी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी पानी डाल लेते हैं एक बोल में, और वड़ियों को सब तरफ से फ्राई करके रख दें। वाह जी वाह, ब्राउन होने पे फ्लेवर बढ़िया, खुशबू बढ़िया। इसको निकाल के हम ये बोल में डाल लेंगे जिसमें हमने पानी रखा है, ठीक है? ये फ्राई करना थोड़ा जरूरी है, फ्लेवर जो है वो बढ़ जाता है और जो कच्चापन होता है ना उड़द दाल का वो निकल जाता है। करी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जीरा ले लेते हैं 1 छोटा चम्मच, वाह क्या बात है। अदरक डाल लेते हैं, एक इंच टुकड़ा अदरक का लें वो डाल लें। 2 बड़े प्याज चॉप करके डाल लें और इसकी होगी भुनाई अच्छे से, ठीक है जी? 4-5 मिनट तक भूनेंगे इसको अच्छे से। अब चलिए ये देखिए प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं, इनको ले लेते हैं और इनमें टमाटर डाल देते हैं। 3 टमाटर कटे हुए ये डाल लें, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। घर पे झूमिए नाचिए गाइए करिए, क्या बात है।
बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब थोड़ी देर भूनिए, 3 मिनट तक भूनिएगा अच्छे से। चलिए अब 3 मिनट बाद 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर के डाल लें, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, 2 छोटे चम्मच गरम मसाला के, ये टिपिकली मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी, 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डालें और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डालें। अब भूनिए इसको, पानी डालो इसमें और पानी डाल के पकाते रहेंगे 4 मिनट तक एग्जैक्टली। यहाँ भुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, पानी सूखे और थोड़ा पानी डालिए, इससे 2 काम हो रहे हैं। देखिए, एक तो भुनाई हो रही है, दूसरा जो टमाटर और प्याज है वो भी गलते जा रहे हैं साथ साथ। अगर आप सीधे पानी डाल देंगे तो टमाटर जो है क्यूब्स कटे हुए वो अलग अलग दिखेंगे, प्याज के दाने अलग दिखेंगे। यहाँ आप देखेंगे बढ़िया पेस्ट बनते जा रहा है, देखिए मसाला यूनिफॉर्म हो रहा है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब इसमें ये जो पानी में शलगम भिगोए थे ये डाल लेते हैं, क्या बात, और इसमें हरी मिर्चें, मटर लगभग 1.5 कप, फ्रेश वाले मटर डालने हैं आपने, आपने फ्रोजन नहीं यूज करने, इसमें पानी डाल लेंगे लगभग लगभग 1 लीटर पानी डाल लें, क्या बात है। अब इसे ढक लेते हैं, लगभग 15 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद बड़ी डालेंगे और 2-3 मिनट पकाएंगे, फिर हम खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए जी ये चेक कर लेते हैं अभी, वाह क्या बात है। ये देखिए शलगम जो है सूखी वाली बढ़िया एक्सपैंड हो गई है, अब ये बहुत बढ़िया एक बाइट देती है, जब आप खाते हैं ना एक बहुत बढ़िया च्यूई बाइट होता है, मुझे पसंद है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, ये अच्छी राइमिंग हो गई राइट, क्योंकि हमने खाई है और हमें ये टेक्सचर पता है, अच्छा लगता है और ये पारंपरिक है, बड़ी मज़ेदार है। अब इसमें वड़ियाँ डाल लेते हैं, ठीक है, इनका एक फ्लेवर जो है जो थोड़ा सा पेपरी होता है और जब सॉफ्ट हो जाते हैं गल जाती है अच्छे से तो वो मज़ा और होता है। तो ये डालने के बाद फिर से मैं 2-3 मिनट तक इसको ढक के पकाऊंगा, फिर हम परोसने के लिए तैयार। फिर क्या भाई, चपाती चाहिए या स्टीम राइस चाहिए, और उसके बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे खाते हुए। फाइनली जी एक काम करेंगे, सर्दियों में हरा धनिया भी बढ़िया मिलता है तो ये हरा धनिया ले लेते हैं ढेर सा, ठीक है, क्योंकि इसका स्वाद जो है ना वो हमारी जो करी है उसमें 4 चांद लगा देगा। हिंदुस्तानी खाने में हरे धनिया का महत्व, बिना हरा धनिया के हिंदुस्तानी खाना पूरा नहीं होता। ये लीजिए हरा धनिया, ये लीजिए, वाह क्या बात है, मजा आ गया जी। अब हरा धनिया डल गया, ये जो शलगम पंजाबी में जिसे गोंगलू कहते हैं वो भी तैयार, हम परोसने के लिए तैयार। हेलो जी, वाह क्या बात है, लो जी वाह, भाई ऐसी चीजों को मुझे लगता है
क्या गार्निश करेंगे, है ना, ये अपने आप में मज़ेदार है, ये बना के खाइएगा ज़रूर। और देखिए मैंने तो आपके लिए बना दिए, बड़ी पारंपरिक चीज़ है, अब ये अलाइव रहेगी सदियों तक, राइट। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड।